हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी हम आ गए हैं किचन में और उठते ही मुंह हाथ तो नहीं धुले हैं, लेकिन धुल लिए हैं ना, धुले हैं। सुनो क्या कह रही हैं। तो हमारे मोबाइल में कैमरा खराब हो चुका है और वाइड एंगल की कमी के होने की वजह से ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं। और इधर हमारी प्यारी मम्मी आज बना रही है हमारे लिए पकौड़ी, और कल बुआ जी के यहाँ से मट्ठा लाए थे, देख लो मट्ठे बने कर आया था और इधर बनी पकौड़ियाँ, और इसमें चाय रेडी हो चुकी है भाई। तो बढ़िया, अभी चाय पकौड़ियाँ अभी हमारी मम्मी हमको खिलाएंगे। तो मम्मी हाँ, खोया मिलेगा पता नहीं। तो सोच रहे हैं खोया लाने के लिए मार्केट से, तो अभी चलेंगे। आज तो मार्केट लगेगी मंगल को ना, तो मंगल तक खोया लाया जाएगा भाई, क्योंकि अभी तो मार्केट ही नहीं है, तो उसमें खोया क्या लाया जाए। तो देखते हैं मंगल को जाके कैसा रहता है। फिर वहाँ का खोया मुझे लगता है 150-200 रुपये किलो होगा, 200-300 ले लिया जाए। और क्या बढ़िया है, बनाओ गोजिया बनाते हैं फिर मम्मी, गुजिया। हाँ, पक्का। रावण से फोन कर पूछो क्या दो कदम दे दे भाई खोया जला के। हाँ सब रावण का गेहूँ कट रहा है ना, हाँ अपना भी कटना है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि बारिश का मौसम है ना पूरा, तो हो सकता है लेट लपेट लग जाए, देखते हैं। नहीं तो अब उससे अभी गीला है ना, थोड़ा गीला है, वो सही हो जाए तो उसके बाद कटवाते हैं गेहूँ। तो देख लो गाइस, फाइनली बारिश होने लगी है, और इधर देखो है ना, और ये हम भीगे हैं पूरा, ये देखो हाथ। अभी कार में कल बारिश, वो क्या बोलते हैं, हवा आई थी ना आंधी, तो धूल खूब चिपक गई थी, तो इसमें कपड़ा मार दिया और पानी डाल दिए हैं, तो एकदम सफ़ा क्लीन लगने लगी है। और इधर पापा जी की बाइक भी गंदी हो गई थी, ये देखो इधर डाल के पानी सिर्फ खड़ी कर दिए, बाकी ये तो गंदी नहीं है। हाँ बंद कर दो चाहे अब, और इधर पानी भर रहे हैं ना, तो वही पापा कह रहे हैं बंद कर देंगे, ये देखो चल रहा है। और बाकी आज का मौसम देखो भाई बारिश के बहुत भयानक आसार हैं, लेकिन गेहूं की फसलें सब पक्की खड़ी हैं, और जैसे हमारी कार यहाँ खड़ी ना भीग रही हो, वैसे भी गेहूं फसल भीग रही है भाई। अब क्या बताएं मौसम का, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। फाइनली गाइस आ गए अपने कपड़ों में प्रेस करने, हमारा म्यूजिक सिस्टम आज बज रहा है, वाह। यूज ईयरफोन, प्लीज यूज ईयरफोन, हेडफोन कुछ भी हो। खाना भी रेडी हो चुका है और हम खाना खा रहे हैं। हमारे लिए बनी आज रोटी, चावल, ये पुलौरी की सब्जी, गुड़ की खीर, रायता, और देखो मम्मी अपने इसमें खीर खाएंगे। वाह मम्मी ऐसे खाते हैं क्या, गंदी बात है ना, कढ़ाई में भगोना में खा रही हो। तो गाइस खा लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं, जय श्री राम। तो भाई मौसम ख़राब था, उसके साथ साथ बारिश हो गई, देखो कितना पानी भरा है, ये देखो इधर है ना पानी, बाकायदे एकदम से पानी भरा है। और इधर देखो ये पूरा मोहल्ले में कोई नहीं है, और हवा ऐसे चल रही है, कितनी तेज़ चल रही है, पेड़ में नहीं समझ में, ये देखो झंडे समझ जाओ कितना भयानक हवा चल रही है भाई। मम्मी गुस्सा हो रही है, कई बार हमको बुला चुके हैं पपीता खाने के लिए, लेकिन हम नहीं खाने जा रहे थे, मून नहीं हो रही, मून के ऊपर से तक लगाई थी। गुड मॉर्निंग पापा जी। भाई मौसम देखो क्या गजब का मौसम, आज ठंडी लग रही है वैसे। मम्मी क्यों गुस्सा कर रही है मुझे, पपीता खा ले पक्का देखो कैसे पापा इनके भी दांत में प्रॉब्लम है। चलो भाइयों, कल हम गए थे पापा जी को लेके, गए थे सिराथो दांत दिखाने, तो उसमें प्रॉब्लम बताया कि पापा के 4 या 5 दांत लगेंगे बराबर, क्योंकि पीछे यहाँ पास नहीं है ना नीचे, तो उनके उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए 4 दांत लगा के सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके पीछे तक जाएगा। तो यही प्रोसेस है, तो 2-3 दिन बाद शायद हो सकता है फिर से जाए। बाकी सारा कुछ हराम है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, ठीक कर देंगे हम, तो 2-3 दिन बाद जब जाएंगे ना तो शायद दिखाएंगे आपको। लेकिन वहाँ का अच्छा नहीं लगता ना, कहीं का वीडियो बनाओ, किसी को फैलाओ, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, इसलिए वीडियो नहीं बनाते हैं। और फिलहाल छोड़ो, जो है सब चलेगा, ज़िंदगी है, तो चलते हैं कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि मम्मी 3 बार गुस्सा की हैं। देखो 3 बार में इतना पपीता मिला हमको, ये देखो इसको बढ़िया चाकू से कट करते हैं, ये भाई जिसको खाना हो आके खा सकता है। तो चलो मिलते हैं भाई खाने के बाद, पहले हम खा लेते हैं।
आइए। काफी टाइम बाद पापा आए यार भाई, लेकिन सुबह इतनी तेज भयानक बारिश हो रही थी, और अब देखो आसमान देखो कितना गजब आसमान है। ये देखो भाई मत पूछो, तिरंगा सुबह भी दिख रहा था ना, इतना प्यारा था अभी, और आसमान भाई कितना मस्त लग रहा है, इधर के बादल मस्त, और इनकी पंचायत ही नहीं ख़त्म हो रही है। मम्मी नहीं आए थे आज, तो ये ब्लॉग यहीं से अब एंड हो रहा है। भाई आसमान देख लो बहुत ही प्यारा है, हाय आसमान नहीं बताएं अभी, ला कागज ले ले है, और भी कुछ है क्या? नहीं है, सही तो है ये।